हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैप्पी स्माइल कुकिंग। आज की हमारी रेसिपी है रोट। जैसा कि आपको मालूम है, रोट ये मुहर्रम के बनते हैं और इसके लिए मैं बहुत मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। एक कप मैंने सूजी ले ली है, इसको हमने थोड़ा सा लो फ्लेम पर भून लेना है। कलर नहीं आना चाहिए इसको, कंटिन्यूसली आपने इसको चलाना है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो कलर आ जाएगा, ताकि सूजी का कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैं इसको इस्तेमाल करूँगी, ठंडा कर लेंगे। अब मैंने 4 खाने के चमचे देसी घी ले लिया है, ये असली देसी घी है, इसको डाल रही हूँ मैं। बहुत आसान रेसिपी है और मेजरमेंट बहुत इजी है, जो आपको ज़बानी याद हो जाएंगे और आप आसानी से बना सकेंगे। 4 खाने के चमचे मैंने देसी घी ले लिया है, इसको विक्स से अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें। हैंड बीटर भी यूज़ कर सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक वाला, और विक्स से भी बना सकते हैं। और 1/2 कप मैं ब्राउन शुगर ले रही हूँ। अगर आपको रेगुलर शुगर से बनाना है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 कप। मैं ब्राउन शुगर से बना रही हूँ, इसमें मैंने ब्राउन शुगर डाल दी है 1/2 कप। घी और ब्राउन शुगर को अच्छे तरीके से विक्स कर लेंगे। विक्स करने के बाद जो सूजी मैंने रोस्ट की थी, भुनी थी, 1 कप ये इसमें डालना है, ये ठंडा करके डालना है। और 1 कप मैंने इसमें मैदा शामिल कर दिया है, और 3 भर के खाने के चमचे ये मैं ड्राई मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा, आपको बड़े यमी लगेंगे रोट। और 1/4 चाय का चमचा हमारे पास बेकिंग सोडा है, ये शामिल करना है। इसको मिला के हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको आप मिक्स कर लें, पहले तो आप किसी स्पून से, स्पैचुला से कर लें, उसके बाद इसको हाथ से कर लें अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और कोई चीज़ भी ड्राई ना रहे। इसको हल्के हाथ से गूंदना है, ताकि घी जो है वो बिल्कुल ना निकले, सेपरेट ना होने लगे। इसको हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है। देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ। अब ये देखें, ये बाइंडिंग हो रही है इसकी। अब हमने इसमें फ्रेश जो है दूध लेना है थोड़ा थोड़ा, इससे इसका डो तैयार करेंगे। यह आपने बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ये देखें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, वरना ये बिल्कुल ज़्यादा वो गीला सा हो जाएगा, तो फिर आपके रोट क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये तमाम रोट मैंने बना लिए हैं। 1 अंडा बीट कर लिया है, और इसके ऊपर टॉपिंग में बादाम पिस्ता और खशखश मैंने धो के साफ़ करके और उसको भी अलग से रोस्ट कर लिया है, यानी भून लिया है अच्छा सा, ताकि साफ़ हो जाए, ये देखें। और ये सौंफ है, ये भी हमारी जो है भुनी हुई है सौंफ और हमारे पास खशखश, पहले ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अंडा मैंने एक बीट किया था, पहले वो ब्रश से कर लिया तमाम रोट पे, और अब हम इसके ऊपर खशखश और सौंफ डाल रही हूँ। ये दोनों चीज़ें भुनी हुई हैं। खशखश में आपको पता है मिट्टी बहुत होती है, इसको अच्छी तरीके से धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, फिर इसको मैंने भून लिया था। ये बादाम पिस्ते हैं, ऊपर से ये जाएंगे, ये इसके ऊपर डाल दें। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको अच्छी लगेगी। और है भी, देखें कितनी आसान, आप इजीली इसको जब चाहे बना सकते हैं। और ये इससे मैं इसको टैप कर रही हूँ, ताकि तमाम चीज़ें रोट के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाएं, निकले नहीं। और ये मैं देगचे में ही बना रही हूँ। ये मैंने ले लिया एक पैन, और उस पर मैंने ये स्टैंड रख के उसके ऊपर से रख लिया है। ये 12 से 15 मिनट लेते हैं और ये इजीली तैयार हो जाते हैं। हमारे रोट बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से तमाम मैं बना के निकाल लूँगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएंगी। ये देखें कितनी अच्छी क्रिस्पी बनी है, ऊपर से ये हार्ड होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है। आप इसको बनाएं, और ये ब्राउन शुगर से बनाई है तो ईज़िली शुगर के पेशेंट भी इसको खा सकते हैं, और इसकी मिठास बहुत कम रहती है, ये बहुत ज़्यादा मीठे नहीं होते, इसमें मिठास जो है कम होती है। आप इसको एंजॉय कीजिए, बनाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए।